लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ का नैब में पेश होने का फैसला। शहबाज शरीफ को आज दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। गुज़श्ता पेशी पर नैब में पेश नहीं हुए थे। अपोजिशन लीडर से बैरून मुल्क जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीला तलब। कोरोना वायरस ने हर तरफ पर फैला लिए। लाहौर में मजीद 29 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 658 हो गई। पंजाब भर में 4255 अफराद कोरोना का शिकार। 742 जायरीन सेंटर्स, 1857 रेवेंट से मुंसलिक अफराद, 97 कैदी और 1545 आम शहरी कोरोना के मरीज। एक्सपो सेंटर में 243, मेयो हस्पताल में 141, PKLI में 22 मरीज जेर इलाज, सर्विसेज में 20, मजंग हस्पताल में 7, जिना में 4। गंदम खरीदारी में छोटे काश्तकारों का नुकसान नहीं होने देंगे। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की किसानों को यकीन दहानी। पाकिस्तान किसान इतिहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की सीनियर वजीर से मुलाकात। खुराक के शोबे में वजीर आजम के विजन के मुताबिक तब्दीलियां लाएंगे अब्दुल अलीम खान। और बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए मजीद परवाजें उड़ान भरेंगी। 6000 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA आइंदा हफ्ते खसूसी परवाजें चलाएगा। अफ्रीका और अमरीका के लिए भी खसूसी फ्लाइट्स का इंतजाम कर लिया गया। वापसी पर तमाम मुसाफिरों को टेस्टिंग के मरहले से गुजरना होगा। इजाफी किरायों में भी कमी। टोरंटो के किराए में 90,000 रुपये कमी कर दी गई है।